अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेंटल मेडिकोज, या फिर इसका दूसरा नाम मेडिकल्स वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें मैं आपको आज मैं आपको पैथोलॉजी के टॉपिक एडिमा के बारे में बताता हूँ। इट इज़ अ टॉपिक इन बोथ द पैथोलॉजी एंड द फिजियोलॉजी। ठीक है, बिफोर टेलिंग यू व्हाट इज एडिमा, मैं आपको कुछ और टर्म्स जो है छोटे छोटे क्लियर कराना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल दैट व्हाट इज हाइपर ईमिया। ठीक है, हाइपर ईमिया के अंदर एंड कंजेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इट इज़ इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान में आप डिफरेंस बताएं। तो आई विल टेल यू दैट हाइपर ईमिया बेसिकली, आपने पहले चीज़ याद रखनी है कि हाइपर ईमिया जो होता है इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड नॉट अ पैथोलॉजिकल वन। ठीक है, हाइपर ईमिया इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वाइल द कंजेशन इट इज़ अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जो कंजेशन होता है ये क्या है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस, जबकि हाइपरीमिया जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो हाइपरीमिया होता है ये क्या होता है कि सिंपल दोनों के अंदर होता क्या है, हाइपर मीन इंक्रीज इन द ईमिया एंड दी मीन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड फ्लो के अंदर इंक्रीज को हाइपरीमिया कहते हैं। कंजेशन भी सेम चीज़ होती है, लेकिन दोनों का मैंने बात की कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल के डिफरेंस आ जाते हैं। हाइपरीमिया नाम भी कब होता है कि जब कोई स्केलेटल मसल जो है जब वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, तो उस वक्त क्या होगा, उसके अंदर ऑफकोर्स आर्टिफिशियल डायलेशन होगी और उसके अंदर जो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज नोन एज़ द हाइपरीमिया। लेकिन कंजेशन बेसिकली अगर बात करें, कंजेशन क्या होता है, और ये आर्टेरियोलर डायलेशन है। ठीक है, इट इज़ आर्टेरियोलर डायलेशन। जब आर्टेरियोलर डायलेशन होगी तो हाइपरीमिया होगा, आपको फ्लशिंग टाइप नज़र आएगी। जब कंजेशन होगी तो कंजेशन के अंदर आपको, कंजेशन बेसिकली क्यों होती है, इसकी मतलब डिफरेंट रीज़न है। ठीक है, लेकिन एक वन ऑफ द रीज़न क्या है कि आपकी जो वेंस थी उनकी वीनस डायलेशन को, जैसे आप कब कह लो इम्पेयर्ड जो वीनस रिटर्न या फिर वीनस फ्लो है, जब वो इम्पेयर्ड हो जाता है तो कंजेशन रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें वीनस रिटर्न का मैंने सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, लेकिन इसमें क्या होता है कि वीनस रिटर्न इम्पेयर हो जाता है और इसमें आर्टेरियोलर डायलेशन। तो दोनों में डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बायवा क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा जब आप देखोगे तो हाइपरीमिया होगा, इट विल रिजल्ट इन द फ्लशिंग। ठीक है, हाइपरीमिया के अंदर फ्लशिंग होती है, क्यों, क्योंकि जब देखो इसमें आर्टेरियोलर ब्लड इंक्रीज होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंक्रीज और रिजल्ट कंजेशन। लेकिन अगर फ्लशिंग और अगर कंजेशन किसी बंदे को होती है देन इट रिजल्ट इन द साइनोसिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वीनस ब्लड इंक्रीज होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जब हमारे कंजेशन होती है तो इसमें क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स जब देखिए वीनस ब्लड इंक्रीज होता है तो वीनस ब्लड को डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस चीज़ें डी ऑक्सीडेड ब्लड, तो फिर क्या होगा, हाइपोक्सिया इंक्रीज होगा, लेकिन दूसरा वाला जो है इट इज कंपेरेटिवली गुड प्रोसेस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, इसके अलावा कंजेशन के अंदर सेल डेथ और वो चीज़ें जो होती है वो भी ज्यादा होने चुके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो कि मेरा बेसिकली आज का टॉपिक था, दैट इज एडिमा। ठीक है, एडिमा क्या होता है, एडिमा सिंपल आप कह सकते हो कि इट इज द एक्स्ट्रा वस्टेशन, या फिर जो है वो आउट मूवमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा वस्टेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंट्रा सेलुलर स्पेसेस। ठीक है, कि सिंपल बात ये कि जो हमारे पास इंट्रा सेलुलर स्पेसेस होती है, लेकिन जो उनके अंदर फ्लूड का बहुत ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा अकुमलेट कर जाना, दैट प्रोसेस नोन एज एडिमा। ठीक है, सिंपल एक बात, एडिमा आपको बताता हूँ कि सोजन स्वेलिंग, उस चीज़ को हम एडिमा का नाम देते हैं। ठीक है, स्वेलिंग को हम एडिमा कहते हैं, दूसरा इसका सिंपल नाम स्वेलिंग है। ठीक है, जो कि लेमैन की टर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो आपका ब्लड होता है, आर्टेरियोलर ब्लड डायलेशन होती है। ठीक है, इसमें मतलब बेसिकली एडिमा होगा क्यों, ठीक है, देखो जो है वास्कुलर डायलेशन होगी। ठीक है, एक तो ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगी और दूसरे क्या हो जाएगी, जो उनकी परमेबिलिटी होगी, जो वेसल्स की परमिबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, जब वो परमिबिलिटी डिक्रीज करके वो डायलेशन जो है वो इंक्रीज करेगा, एज ए रिजल्ट फ्लूड जो है वो टिश्यू के अंदर ज़्यादा मूव करना शुरू कर देगा। जब टिश्यू के अंदर फ्लूड ज़्यादा मूव करना शुरू कर देगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, वहाँ पे आपको एडिमा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल अकुमुलेशन ऑफ द फ्लूड इन साइड द टिश्यू, उसको हम कहते हैं एडिमा। एडिमा की बहुत सारी टाइप होती है, पिटिक एडिमा, नॉन पिटिक एडिमा, बट दैट्स नॉट माय टॉपिक नाउ। ठीक है, मैं आपको सिंपल जनरल एक टर्म बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप कहते हैं कॉजेज ऑफ एडिमा क्या होती है, कॉजेज ऑफ एडिमा आपने याद रखनी कि पांच बेसिकली कॉजेज की होती हैं। ठीक है, पांच कॉजेज की कौन कौन सी होती है, सबसे पहले कहते हैं कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मैं आपको यहाँ से ऐसे नहीं बताता, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, दिस इज़ अ वेसल और इसके इर्द गिर्द ऐसे सेल्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो जो इसके अंदर फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसका ऑफकोर्स एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ठीक है, अगर वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा देन इट विल मूव आउटसाइड, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स ने क्या किया हुआ, इसके अंदर जो फ्लूड इसको वहाँ पे होल्ड किया हुआ, अगर प्रोटीन्स कम हो जाते हैं या कुछ भी रीजन हो सकती है, फॉर सम रीजन दैट इज नोन एज ऑनकोटिक प्रेशर। अगर ऑनकोटिक प्रेशर, यहाँ मैं ओस पी से इसको लिखता हूँ, अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तब भी एडिमा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तब भी एडिमा होगा। उसके अलावा अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन नॉर्मली भी तो फ्लूड निकल रहा होता है ना, ठीक है, वेसल से नामली निकलेगा आगे से मरोज़ क्या होगा, जब नामली निकलता है तो आगे से मरोज़ लिम्फेटिक वेसल्स होती है, वो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगी, यहाँ से फ्लूड को लेकर लिम्फ सिस्टम के अंदर लेके जाएंगी एंड देन होल सर्कुलेशन विल वर्क। अगर लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, दैट कैन बी द रीजन फॉर द एडिमा। उसके अलावा सोडियम की रिटेंशन बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, इसके बहुत सारे रीजन है, आपने अगर किसी ने सोडियम लिया ज्यादा, या फिर सोडियम जो है वो क्या होता है कि किडनी की एक्सक्रीट प्रॉपरली नहीं होता, दैट कैन आल्सो बी द रीजन। उसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम की रिटेंशन, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सोडियम
रिटेंशन बॉडी के अंदर ज़्यादा, तो आपको ऑफकोर्स पता है जब सडन रिटेंशन ज़्यादा होगी तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, जब वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल फ्लूड ज़्यादा होगा, फ्लूड ज़्यादा होगा तो टिश्यू के अंदर ज़्यादा जाएगा, एडिमा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इन्फ्लामेशन कैन ऑल्सो बी अनदर रीज़न, ठीक है, कि अगर किसी जगह पर स्वेलिंग हुई हुई है, स्वेलिंग का मतलब ये है कि अगर ब्लड वेसल यहाँ पे स्वेलिंग के अंदर, इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग होती है तो ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है एंड परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, दोनों रीज़न होंगी तो एज अ रिजल्ट रिजल्ट एडिमा, ठीक है, तो एडिमा हो जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक रीज़न बताया, अब इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको जस्ट बताऊंगा क्योंकि ये मेजर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे लिखूंगा नहीं, जैसे आपको बताता जाऊंगा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कब हो सकती है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेड से, ठीक है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन उस वक्त होगी कि जब देखिए आपकी कोई भी किसी भी एरिया के अंदर लिम्फ नोड उसकी आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया बॉडी से, ठीक है, लिम्फ नोड रिमूव कर दिया तो एज ए रिजल्ट लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर आपकी इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं जो कि आपके जो है वो हो पाए जाते हैं लेग्स और पेल्विक, उस रीजन के अंदर जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं इंग्वाइनल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने अगर कहीं पे कोड करना हो इंग्वाइनल लिम्फ नोड, अगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेग्स का एडिमा हो जाएगा, ठीक है। लिम्फेटिक नोड उसके अलावा सर्जरी के अंदर रिमूव कर सकते हैं, किसी भी रीजन से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, वो इसके अंदर आ सकती है। लिम्फेटिक, ठीक है, कैंसर की वजह से, सर्जरी की वजह से, पोस्ट रेडिएशन कुछ हो सकता है। उसको कहते हैं सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन कब ज़्यादा हो जाएगी, देखिए या तो मतलब कुछ चीज़ आप ज़्यादा ले रहे हो या कम निकल रही है, ठीक है, आपको एक तो जो है सोडियम खा ज़्यादा रहे हो तो तब सोडियम रिटेंशन हो सकती है। उसके अलावा ये अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी बॉडी से सोडियम रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि आपको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया है, इनके एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहे थे, देन दैट कैन आल्सो रिजल्ट इन द सोडियम रिटेंशन, ठीक है। तो सोडियम रिटेंशन जब ज़्यादा होगी उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा कहते हैं कि आपकी किडनी वैसे खराब है, गुर्दे खराब हो गए किसी बंदे के, तो आपको सोडियम इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो आप देखोगे जो बंदे किडनी के पेशेंट होते हैं, जो आप थोड़े अडल्ट देखते हो या फिर आपको किडनी का पेशेंट अगर आपने कहीं देखा हो तो उनके जो पाँव होते हैं वो सूजे होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि किडनी जब प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे तो उनकी बॉडी के अंदर जो सोडियम होता है वो सोडियम इंक्रीज कर जाते, सोडियम इंक्रीज कर जाते तो उनके अंदर पाँव के अंदर एडिमा हो जाता, एंड दैट इज द पिटिंग एडिमा, ठीक है, नॉन पिटिंग नहीं होता, पिटिंग नॉन पिटिंग आपको सरप्राइजिंग होगा। नेक्स्ट बात करें इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का होता है जब इन्फ्लेमेशन किसी भी जगह पर होती है तो ऑफकोर्स दैट विल रिजल्ट इन अल्टीमेट डायलेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन बहुत सारी रीजन की वजह से हो सकती है, चाहे एक्यूट हो, क्रोनिक हो, या फिर जो है वो एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस कैन ऑल्सो बी द रीजन ऑफ द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मैं इसको आप बता ना, एक्यूट होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, एंजियोजेनेसिस जहाँ पे नई ब्लड वेसल बन रही होती हैं वहाँ पर भी जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी सिर्फ एक बात। उसके बाद दो बजे मैंने अभी तक नहीं बताया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑनकोटिक प्रेशर यह है कि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज कब होगा, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज में दी ब्लड प्रोटीन इज डिक्रीज, ब्लड प्रोटीन कब डिक्रीज होगा वही बात, या तो बन कम रहे हैं या फिर निकल ज्यादा रहे हैं। अगर बनने का ये है कि लिवर सिरहोसिस हो जाती है, ठीक है, यानी कि लिवर सिरहोसिस होती है तो एज रिजल्ट ब्लड के अंदर जो है वो सॉरी लिवर के अंदर प्रोटीन कम बनती है, एंड इसमें रिजल्ट, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारे लिवर सिरहोसिस के अलावा जो दूसरी टर्म आ जाती है देन दैट इज़ की वो ये है कि बॉडी से निकल ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कहते हैं कि किडनी के अंदर से जो है वो प्रोटीन निकलना ज़्यादा शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोटीन की एक्सक्रीशन शुरू हो जाती है, हालांकि नॉर्मली तो नहीं होती लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर होना शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि आपने देखो कि क्वाशोरकर और ठीक है एक मैल न्यूट्रिशन क्वाशोरकर और मेरास्मस के पेशेंट, ठीक है, जो मेरास्मस होता है या फिर क्वाशोरकर, आई एम सॉरी मुझे सही से अब याद नहीं है, लेकिन एक के अंदर एडिमा बहुत ज़्यादा होता है, एडिमा की रीज़न यही होती है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन कम होता है, जब प्रोटीन कम होगा वो क्यों है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मेल न्यूट्रिशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिरहोसिस दिस आर द थ्री रीजन फॉर द ऑनकोटिक पेशेंट डिक्रीज इन द ऑनकोटिक पेशेंट। उसके बाद चलती चलती हाइड्रोस्टैटिक पेशेंट, हाइड्रोस्टैटिक पेशेंट कब इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब भी देखो हाइड्रोस्टैटिक पेशेंट इंक्रीज करने के दो, या तो एक तो ये है हाइड्रोस्टैटिक पेशेंट इंक्रीज करने का रीज़न ये है कि एक तो आर्टेरियोलर डायलेशन, जब आर्टेरियोलर डायलेशन होगी तो एज रिजल्ट क्या होगा, सॉरी मैं आई थिंक आपको यहाँ पर थोड़ा नजर नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ कहते हैं, ठीक है, जब हम क्या होगा कि जब हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एज ए रिजल्ट जो डायलेशन है वो सॉरी आर्टिकुलर डायलेशन का ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो सकता है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आ जाता है आर्टरीज का। दूसरा वेन्स का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वेन्स की प्रॉब्लम में जब आप देखो कि इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न, ठीक है, मैं लिख क्यों रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसके अंदर बहुत सारे सब फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इम्पेयर वीनस रिटर्न की वजह से हाइड्रोस्टैटिक पेशेंट की, इम्पेयर वीनस रिटर्न का मतलब ये है कि वेन्स का कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या फिर आपको जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, आपका कार्डियो क्रैम्पोनेड कंडीशन कहते हैं जिसके अंदर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा थ्रोम्बोसिस, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर प्रॉब्लम, कोई भी कंडीशन हो जाती है, बहुत सारे रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बेशक आपको मेमोराइज नहीं आते तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इम्पेयर वीनस रिटर्न एंड द आर्टेरियल डायलेशन टू मेन रीजन फॉर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज में, ठीक है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इंक्रीज एज रिजल्ट एडिमा, ठीक है, तो आपको जो मेजर एडिमा का ये मैंने बताया, दो आपको मैं और क्वेश्चन जो है बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कैसे हो सकते हैं कि एक तो ये कि अगर किसी बंदे को जो है वो कार्डियक फेलियर होता है, हार्ट फेलियर होता है, तो हाउ विल रिजल्ट इन एडिमा, ठीक है। आप सिंपल देखोगे अगर किसी बंदे के अंदर जो है वो हार्ट फेलियर होगा तो हार्ट फेलियर से होगा क्या, जब हार्ट फेलियर होगा तो जो रीनल ब्लड है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब हार्ट फेलियर होगा, मैं एक पेन चेंज कर लेता हूं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए, ऊपर वाले से अलग हो जाए, ठीक है। जब हार्ट फेलियर किसी बंदे को होता है रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा उसके अंदर जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ऑफ कोर्स क्या करेगा,
सिंपल सी बात है, इंक्रीज करेगा ना। देखो जब इम्पेयर वीनस रिटर्न है, वेन के अंदर ब्लड ज्यादा है तो कैपिलरी हाइड्रोस्ट्रक्चर इंक्रीज, अब जब कैपिलरी हाइड्रोस्ट्रक्चर इंक्रीज ये तो सीधा सीधा मैरिज करा देगा एडिमा, ठीक है। अब जो रीनल ब्लड फ्लो कम होगा ना, तो रीनल ब्लड फ्लो कम होने का मतलब ये कि किडनी जो है उसके अंदर सोडियम कम जाएगा, किडनी सोडियम कम जाएगा तो रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम एज ए रिजल्ट, मतलब देखो सिंपल सी बात है, देखो सोडियम नहीं गया तो किडनी ने उसको डिटेक्ट कर लिया, जब सिटी किडनी डिटेक्ट कर लिया तो उसने रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम जो है उसको क्या किया, एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। जब रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑफ कोर्स ज्यादा रिटेंशन होगी सोडियम और वाटर के, इट इज रिजल्ट इन एडिमा, ठीक है। तो ये हार्ट फेलियर की वजह से, एक और क्वेश्चन आ जाता है, मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से, तो वो मैंने आपको जस्ट बता दिया कि मतलब वो आपको यहाँ लिख नहीं रहा, वंस अगेन मैं आपको सिर्फ बता दूँगा ऑनकोटिक प्रेशर के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन बॉडी के अंदर कम हो जाती है फॉर एनी रीजन, मेल न्यूट्रिशन होगी, सिरोसिस होगी या फिर नेफ्रोटिक्सिन होगी, कोई भी रीजन हुआ, तो प्लाज्मा के जब एल्बुमिन कम होगा तो इट रिजल्ट डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो इट रिजल्ट इन द एडिमा। दिस इज ऑल अबाउट द एडिमा दैट यू मस्ट नो फॉर एग्जाम्स, ठीक है।